और गाइस क्या हाल है गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक और नई अनबॉक्सिंग, जिसमें मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ इसी लैपटॉप को जो कि आ जाता है लेनोवो की तरफ से। मॉडल नंबर है इस लैपटॉप का 81MT या फिर लेनोवो V1415 15STU। इतना बड़ा मॉडल नंबर कौन रखता है यार। खैर हम आ जाते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ, और देखने में तो ये बॉक्स कुछ खास नहीं है, बस एक सिंपल सा कार्डबोर्ड बॉक्स है। सील मैंने इसकी पहले ही ब्रेक कर ली है और अब हम इसको फाइनली यहाँ से अनबॉक्स कर लेंगे। सबसे पहले अगर मैं इसको इस तरह से खोलूं तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा अपना लैपटॉप रखा हुआ, और एक यहाँ पर सेक्शन है जिसके अंदर आई बिलीव चार्जर ही होगा। चार्जर यहाँ पे गाइस, इसका चार्जिंग अडैप्टर हमें मिल गया है। ये गाइस इसका चार्जिंग अडैप्टर, और लेंथ हमें यहाँ पर इस कॉर्ड की मिल जाती है करीब 1.5 मीटर। और इस अडैप्टर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो प्लग है वो इसी अडैप्टर के साथ ही यहाँ पर अटैच्ड है। मतलब जैसे बाकी लैपटॉप्स में आपने देखा होगा अडैप्टर बीच में होता है और यहाँ पर उसका प्लग होता है, तो ये ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, यूनिक सा लग रहा है ये। इसको रख देते हैं हम फिलहाल के लिए साइड में। अब निकालते हैं हम अपनी मेन यूनिट इसके अंदर से, जो कि है लैपटॉप। इसको इस तरह से हम निकाल लेंगे, और ये काफ़ी अच्छी प्रोटेक्टिव कवरिंग के साथ यहाँ पर हमको मिला है। इस कवरिंग को हम रिमूव कर लेते हैं और रख देते हैं साइड में, और ये वाली भी इसी तरह से हम निकाल लेंगे। और अब ये है हमारा लैपटॉप जो कि इस पॉलीथीन में रैप होके आया है। तो ऐसा दिखता है ये कुछ लैपटॉप सामने से, और ये आ जाता है मैट ब्लैक की फिनिश के साथ। ये ग्लॉसी ब्लैक नहीं है, और हम इसको अगर लेफ्ट में घुमाएं तो आपको ये दिखेगा कि ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है, मॉडरेट सा है। गाइस पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिल जाता है आपको एक पावर सॉकेट, जहाँ पे आप अपनी पावर केबल को इस तरह से लगा पाएंगे। और उसके बाद हमें देखने को मिल जाता है एक ईथरनेट का पोर्ट, फिर HDMI पोर्ट, दो यहाँ पे USB पोर्ट है, और 3.5mm जैक का पोर्ट भी हमें यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद एक कार्ड रीडर देखने को मिल जाएगा। सामने से अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, थोड़ा कर्व्ड सा है, यहाँ पर एज बिल्कुल एज नहीं है, कर्व्ड सा है। और उसके बाद अगर हम इसको राइट में देखें तो यहाँ पर आप अपनी DVD लगा सकते हैं। उसके बाद पीछे घुमाएं तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन है इस लैपटॉप का। और अगर हम यहाँ पे इसकी बैक साइड आपको दिखाएं तो यहाँ पर इसके सपोर्ट के लिए ये चार कॉर्नर्स पे ये कुशनिंग की गई है, और उसके बाद यहाँ पर हीट रिमूव करने के लिए यहाँ पे एक ग्रिल सी दी गई है। और उसके बाद में यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिल जाते हैं इसके स्पीकर्स। अब इस लैपटॉप को हम ओपन करके देखते हैं किस तरह से दिखता है ये। सामने से ऐसा दिखता है लैपटॉप आपको, और अगर साइड से देखें तो कुछ इस तरह का व्यू आएगा। ये चीज़ काफ़ी इसकी पतली है, यहाँ से थोड़ी थिकनेस का पता चलता है। और बटन्स हम इसके देखें तो ग्रे कलर में ये पेंटेड हैं। ट्रैकपैड की तरफ नज़र डालें तो ये भी काफ़ी स्मूथ सा दिखता है, और यहाँ पर जो इसके बटन्स हैं ये इसी में इंटीग्रेटेड है। यहाँ पर लेनोवो की ब्रांडिंग है, और स्क्रीन यहाँ पे आपको 15.6 इंचेस की देखने को मिल जाएगी। ऊपर आपको एक वेबकैम देखने को मिल जाएगा, तो इसको हम जल्दी से कर लेते हैं ऑन। बूट तो मैंने इसको पहले ही कर लिया था, और जब तक ये ऑन होता है मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ गाइस। गाइस लेनोवो का ये मॉडल नंबर V145 आपने देखा होगा उसकी अनबॉक्सिंग, लेकिन वो 4GB रैम 1TB हार्ड डिस्क वाला है। ये वाला वेरिएंट दूसरा है, यहाँ पर आपको 8GB रैम मिल जाती है और 1TB हार्ड डिस्क मिल जाती है। साथ ही में यहाँ पर आपको ग्राफिक कार्ड भी मिल जाता है जो खुद AMD की तरफ से आता है, 4GB का ग्राफिक कार्ड। एग्जैक्टली मुझे उसका नाम पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा अभी देख के। गाइस प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो इंटेल का प्रोसेसर इसमें नहीं आता है, यहाँ पे प्रोसेसर आता है AMD की तरफ से। तो गाइस कुछ ऐसा आपको इसका यूज़र इंटरफेस देखने को मिल जाता है, क्योंकि विंडोज 10 प्रो इसमें इंस्टॉल्ड है। और ये पर्टिकुलर वेरिएंट जो मेरे पास है गाइस, ये 8GB रैम के साथ आता है। मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ एक बार यहाँ पर। गाइस ये देखिए यहाँ पर इंस्टॉल्ड रैम 8GB, और जिसमें से 7.47GB अभी यूजेबल है। प्रोसेसर की जैसा मैंने बात करी थी अभी कि AMD A6 प्रोसेसर इसमें यूज़ है, जिसकी क्लॉक स्पीड है 2.6 GHz। ग्राफिक कार्ड की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमें 4GB का ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है जो खुद आता है AMD की तरफ से। और एग्जैक्टली क्या नाम है उस ग्राफिक कार्ड का वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए गाइस यहाँ पे टोटल अवेलेबल ग्राफिक्स मेमोरी जो कि 4335 MB है, जो कि करीब 4GB हो जाता है। और गाइस ग्राफिक कार्ड जो यहाँ पे यूज़ हुआ है वो है AMD Radeon R4, Radeon बोलो या Radeon बोलो आपकी मर्जी है।